आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सभी को राहत देने और देश को नई दिशा दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। आर्थिक पैकेज से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के एमएसएमई, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री चौधरी देवान सिंह का कहना है कि प्रमुख भूमिका उनके विभाग को निभानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं के अनुरूप प्रदेश सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में पूरी तरह जुट गई है। श्रमिकों और किसानों को अधिक से अधिक राहत मिले, इसके लिए विशेष प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता आ रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने इस वर्तमान पैकेज की घोषणा करके ये सिद्ध किया है कि संपूर्ण विश्व में संकट से कैसे निपटा जा सकता है और संकट काल में कैसे सीखा जा सकता है और संकट काल में और ताकत से कैसे उठ कर के दौड़ा जा सकता है। जहां संपूर्ण विश्व इस संकट से, चाहे वो आर्थिक संकट हो, चाहे वो शारीरिक संकट हो, चाहे वो जीवन का संकट हो, सभी संकटों से संपूर्ण विश्व घिरा हुआ है और लड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक ढांचे का गड़बड़ाना स्वाभाविक है। एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी देवान सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे को याद दिलाया है, जिसकी वजह से कभी देश सोने की चिड़िया के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को उम्मीद जगाई है कि संकट काल में अपने श्रम से भारत विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर सकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं का उत्पादन स्वयं करना होगा, अपने गाँव में रोजगार का सृजन करें, नौजवान कौशल शिक्षा में रुचि लें तो हम स्वावलंबी बन जाएंगे। जो देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसकी संपूर्ण विश्व में पहचान थी, वह उसने अपनी पहचान खोई। अब देश कैसे आगे बढ़े, तो देश के महात्मा गांधी ने, दीनदयाल जी उपाध्याय ने, चौधरी चरण सिंह जी ने सदैव ये कहा कि यदि देश की गरीबी खत्म करनी है या देश को फिर से वह अपना परंपरागत गौरव वापस लाना है तो गांव को मजबूत करना पड़ेगा। जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तो संपूर्ण जगत वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के आधार पर संपूर्ण विश्व भी मजबूत बनेगा। राज्य मंत्री चौधरी देवान सिंह ने कहा कि जनपद एक उत्पाद को आर्थिक ढांचे की धुरी बनाकर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। हर जनपद को उसकी विशेषता के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगरा मंडल की बात करें तो आगरा में चमड़ा उद्योग, पत्थर की मीनाकारी अपनी पहचान रखती है। यहां के उत्पाद किस तरह विश्व स्तरीय ब्रांड के रूप में पहचान हासिल करें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि मैं आगरा का निवासी हूं, जीवन का लंबा कालखंड यहीं पूरा किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के प्रत्येक नौजवान के हाथ में काम हो। प्रदेश सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री होने की वजह से मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ आत्मनिर्भरता आए। आगरा में मैंने जन्म लिया है, जीवन का लंबा कालखंड आगरा में पूरा किया है। आगरा भी आगे बढ़े और आगरा पत्थर के काम में, पत्थर के मीनाकारी के काम में, चमड़े के काम में, दरी और गलीचे के नाम पर, पेठे और बतासे के नाम पर और छोटे छोटे कामों के आधार पर एक बहुत बड़ा अपना नाम रखता था। राज्य मंत्री चौधरी देवान सिंह ने कहा कि ताज ट्रेपेजियम जोन में होने की वजह से आगरा ने बहुत कुछ खोया है। आगरा ने जो खोया है वो उससे मिल सके, ये उनकी कोशिश है। आगरा में ग्वालियर रोड पर डिफेंस कॉरिडोर के आधार पर एक उद्योग कॉरिडोर की शुरुआत की जाए, इसके लिए वो विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के हस्तशिल्प, घुंघरू घंटी, फिरोजाबाद के कांच उद्योग, वाराणसी के जरी जरदोजी,
आगरा में फतेहपुर सीकरी के दरी गलीचा उद्योग, आगरा का पेठा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय ने गंभीरता से काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को इस अभियान के जरिए साकार करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि गांव-गांव में रोजगार के नए द्वार खुलें, यहां से निकले उत्पाद अपनी पहचान बनाएं। प्रदेश सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया है। ये बोर्ड प्रदूषण मुक्त रोजगार सृजन के साथ साथ माटी से जुड़े कारीगरों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है। आगरा अपना विशिष्ट स्थान रखता है चमड़े के काम में, पत्थर के काम में, दरी के काम में, गलीचे के काम में, पेठे के काम में, बतासे के काम में, और छोटे छोटे गांव में हर नगर अपनी पहचान रखता है। अपना गोकुलपुरा देख लीजिए, गोकुलपुरा की अपनी पहचान है, और गोकुलपुरा में जो माल आता है वो कहाँ से आता है? बीसलपुर से। माल कहाँ से आता है? वो दूरा से, लेकिन गोकुलपुरा को जानते हैं सब, बीसलपुर को कोई नहीं जानता, दूरे को कोई नहीं जानता। इस पैकेज के द्वारा बीसलपुर भी विश्व का बाजार बन सके। इस पैकेज के द्वारा दूरा गांव फतेहपुर सीकरी का छोटा घर, एक माता बहन जो गलीचा बुनती है, वह भी बाजार में अपने सामान को ई कॉमर्स के द्वारा एक बाजार का, विश्व के बाजार का अंग बन सके, यह इस पैकेज के गर्भ में है। राजमंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि आगरा देहात और उससे जुड़े 25 किलोमीटर के दायरे में सर्वांगीण विकास हो, ये उनका सपना है। ककुआ मलपुरा से सैया होते हुए बाह फतेहाबाद के अलावा मनिया, धौलपुर, भिंड आदि को मिलाकर ऐसा क्षेत्र विकसित होना चाहिए जो उद्योग और कारोबार की दृष्टि से मजबूत हो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि देश के विकास का रास्ता खेत और खलियानों से होकर निकलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी यही सोच थी कि देश की आत्मा खेत और खलियानों में बसती है, इसी कारण देहात मजबूत हो। इसके लिए उनका मंत्रालय प्रयास करेगा। MSME के प्रचार प्रसार और स्तर में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ खैरागढ़ तहसील में बीसलपुर है, कौन जानता है कि बीसलपुर का बना हुआ एक पत्थर की मीनाकारी का काम संपूर्ण विश्व में अपना स्थान रखता है, लेकिन बीसलपुर को कितने लोग जानते हैं? इस पैकेज के द्वारा बीसलपुर उस मीना पत्थर के संगमरमर के मीनाकारी काम में बीसलपुर खड़ा कैसे हो? फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में दूरा एक गांव है, वहां पत्थर का काम सैकड़ों वर्षों से हाथों के हुनर में काम करता है। उस दूरे गांव को विश्व में कितना लोग जानता है? इस पैकेज से दूरा स्वयं खड़ा हो और विश्व में दूरे की पहचान बने। ई कॉमर्स के आधार पर हम अपने घर में बैठ कर के अपने हुनर को विश्व के बाजार में बेच सकें, गांव का बाजार भी विश्व के बाजार का मुकाबला कर सके, यही सोच इस आर्थिक ढांचे में है, इस पैकेज में है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा। MSME सेक्टर को ई मार्केट के प्लेटफॉर्म से जोड़कर ग्रामीण युवाओं, स्टार्टअप और लघु उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। प्रतिभाशाली युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगाने की दिशा में प्रयास होंगे ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो सके। इसके लिए युवाओं को 3 श्रेणियों में बांटकर मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। आगरा औद्योगिक क्षेत्र में मुकाबला कर सके और आगरा वही अपनी पहचान बना सके जो आज से 1000 वर्ष पूर्व आगरा को, जिस हुनर के आधार पर आगरा ने ही ताजमहल बनाया है, आगरा ने ही लाल किला बनाया है, आगरा ने ही फतेहपुर सीकरी बनाई है, आगरा ने ही एतमादौला बनाया है, आगरा ने ही दयालबाग बनाया है। हर हाथ में आगरे में हुनर है, वह आगरा का हुनर भूल गया अपने आप को। आज इस पैकेज के द्वारा आगरा फिर अपनी परंपरागत पहचान में आएगा, यही इस पैकेज का गर्व के अंदर बात है। राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह और सांसद राजकुमार चाहर के नेतृत्व में अभियान चलाकर फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों को हैंड सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। भाजपा नेता डॉक्टर संजीव पाल चौधरी ने बताया कि राज्यमंत्री चौधरी उदयभान सिंह का फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र है, यहां सांसद श्री राजकुमार चाहर के सहयोग से ग्रामीणों की मदद की जा रही है। क्षेत्र में लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, मास्क का इस्तेमाल करने और हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।